An Academy. Let's crack it. नमस्कार मैंने बड़े गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून नमस्ते थैंक यू गुड आफ्टरनून माय ट्रिप वाज ओके माय हेल्थ इज फाइन थैंक यू फॉर आस्किंग आई एम फाइन थैंक यू गुड आफ्टरनून जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू अपलोड द फाइल हाउ हैव यू गाइस बीन हाउ वर योर हैप्पी नो करिश्मा डेज How was your backlog coverage going on? Practice, rest. Good afternoon. Namaste, namaste. आपको भी प्रणाम. मैं अच्छी हूँ. आप कैसे हैं? No, Karishma days were not happy. अरे गौतम एक मिनट उफ जया बच्चन की तरह पीछे धुन बजाओ फिर माय ट्रिप वाज ओके इश नॉट एज ग्रेट एज आई हैड एक्सपेक्टेड इट वाज ओके इट्स ओवररेटेड मेघालय इज ओवररेटेड आई हैव डन माय फेयर शेयर ऑफ ट्रैवल सो इट्स नॉट एज ग्रेट एज आई हैड थॉट इट्स नथिंग लाइक व्हाट दे शो ऑन इंस्टाग्राम द वाटर इज नॉट क्लियर लाइक दे शो ऑन इंस्टाग्राम द Waterfalls are okay. I have seen so many waterfalls that it was not really mesmerizing for me. The treks were very bad and it was arduous. My feet gave up. My feet became literally this size and I'm not exaggerating. I had elephant feet. So it was very, very, it was more of hard work than enjoyment. The people were good. The group that I was with was really nice. So that was what kept me going. अब सही है मेरे पैर थोड़ा काब्ज में पेन है बाकी ठीक है मैं ठीक हूँ क्वाइट लिटरली ब्रेथ टेकिंग अरे यार मेरे कदम रखा नहीं दिल्ली में तुम शुरू हो गए स्पीकिंग इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करो मत करो इम्प्रूव छोड़ दो त्याग दो Did the video just disappear? I can't see my video. Okay. Am I audible? मेरे एंड पे वीडियो नहीं दिखा रहा लेट मी रिफ्रेश अबे ठीक है ओके द फूड वॉज पथेटिक ऐसे तेल में तैरता हुआ इतना सच्ची हुई चिकन तेल में तैरती हुई गीली भिंडी तेल में बने हुए छोटे छोटे से आलू राइस वॉज फाइन लोकल नॉट गुड गुवाहाटी आके थोड़ा ठीक खाना खाया है रीजनल कुछ नहीं था रीजनल वी वर जस्ट मोस्ट ऑफ अस वर वेजिटेरियंस आई वाजंट बट Most of us were stopping at places where there was vegetarian foods, fixed restaurants थे group के तो वो जहाँ रुकवाते थे वहाँ खाना पड़ता था तो कोई लोग वेज थाली ले लेते थे कुछ लोग वेज थाली में ही एक एडिशन चिकन का होता था बेसिकली वो तेल था चिकन नहीं था शॉपिंग के लिए कुछ था ही नहीं नया सब कुछ वही पुराना एक मैगनेट लिया है बस नहीं किसी से नहीं मिली गुवाहाटी में आई वॉज अनएबल टू वॉक फॉर 3 days I was walking like a penguin, like this. So, new friends, yeah. The group was really good. There were 3 people elder to me.
One was a school principal, 50. The other was also a grandmother, 55, 60. The third one was 40-ish. So these were the three women who were elder to me. We were 11 women and 6 boys, 6 men. Thank you, Riddhi. That's very kind of you. Or three of us were the same age, 35. And the remaining group was younger to us. When we were discussing age, I told them my age, this, that I don't look my age. So I told them that I don't look party, that I don't look my age. So they guessed me to be 27 something. But yeah, they were 27, 28, 29, 24. The youngest guy was 19. The youngest guy was 19. हाँ नहीं मानती ना उनकी मान ली 23 तो खैर मैं नहीं लगती वजन बढ़ा हुआ है as usual, as expected. Thank you, Supriya, that's very kind of you. कोई कम नहीं हुआ जितना चले होता खा लिया 23 कोई नहीं था 19 25 and a half 27 28 29 32 35 36 42 50, 55. Those were the ages. Then 19-year-old guy was doing a bachelor's in nursing. He was from Wayanad, Kerala. 25 was a classical Bharatanatyam dancer from Tamil Nadu. She trains and she takes classes and she performs. Theek hai, Nikhil kam kar lungi. 19 wale ki mummy kaise maan gayi pata nahi. सब बोरिंग नहीं थे कोई भी बोरिंग नहीं था सब इंटरेस्टिंग थे साउथ वाले लोगों के साथ लैंग्वेज बैरियर था तो वो कम बात करते थे बट बाकी के 15 लोग तो चपट 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 एक पल की शांति नहीं थी ओके चलो शुरू करें अंताक्षरी ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू डू मेन आइडिया क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ये क्लास 75 मिनट्स की है ठीक है नहीं इंस्टा आईडी मांगी थी लोगों ने मैंने टाल दिया और देयर वाज वन गर्ल हु वाज अ साइकोलॉजिस्ट एंड शी काउंसल्स स्टूडेंट्स एंड टेक्स प्राइवेट थेरेपी उसने मांगा था इंस्टा आईडी उसको दे दिया और उसका ले भी लिया मतलब फॉलो कर लिया उसको बस So one out of 17 people. That's it. हाँ, काम की बंदी सोच के नहीं, she was good, she was mature, काफी बात हुई उससे. बस में हमारी सीट साथ साथ में ही थी तो, it was good. Finally, yeah, one person. She's not gone home yet. She's gone to Gangtok. And then she's going to Darjeeling. She's on a huge trip. नहीं कृति मैं बात ही नहीं करती तुम्हें पता है ना मुझसे बात नहीं होती कितना स्नैप स्टोरी डालो आधा टाइम इंटरनेट नहीं था जब था तो इतने थके हारे थे चल रहे थे धूप में भाई साहब वेदर इतना गंदा मुझे लगा मैं दिल्ली छोड़ के गई क्यों मैं दिल्ली के वेदर में दूध लेने नहीं जाती नीचे और मुझे उस वेदर में आप ट्रेकिंग करवा रहे हो मतलब मुझ पर क्या बीती तौबा तौबा हालत खराब आई रिग्रेटेड एवरी सिंगल स्टेप आई टुक डाउन सो द ट्रैक वॉज फर्स्ट डाउन स्टेयर्स देयर वर 4500 स्टेप्स And then there was 4500 steps वापसी. I went halfway through 2000 सीढ़ियां लगातार. I walked for 59 minutes continuously. Walked नहीं. Went down the stairs. My legs started shivering. I knew ये वापस आएंगे तो फिर हाँ I am tanned Rupa despite all the sunscreen. So 59 minutes जाने में लगे लौटते में I took somewhere around 75 minutes. It was so bad. After every 10 steps, I had to take a break. I was so out of breath. My heartbeat was 194. It was crazy. And it was not even worth it. कि इतना मेहनत करके जाओ नीचे तो कुछ बहुत कमाल दिखता है. It's overrated. It's badly overrated. Now, the weather sucked. It took away the joy out of everything. It was very sunny. We were sweating all the time. It was humid. Goggles, sunscreen, cap. सबके बावजूद माइग्रेन हो गया था धूप में इतनी गंदी धूप थी बस चिलचिलाती हुई धूप
it was very bad. The weather, I think, plays a huge role. If the weather were better, then maybe it would get better. भाई हम नहीं कर सकते 20 किलोमीटर ऊपर नीचे. हम टोटल भी 20 किलोमीटर नहीं चल सकते. मेरी कैपेसिटी 5 किलोमीटर से ज्यादा की नहीं है. वेदर इज रियली बैड. यस गौतम सैडली. सो व्हाट आई डिसाइडेड वाज एंड आई एम प्राउड ऑफ इट ऑन द थ्री प्लेसेस वेयर वी हैड टू ट्रैवल अ होल लॉट. लाइक वी हैड टू वॉक अ होल लॉट. आई ट्रैवल जस्ट हाफ वे थ्रू. I chose not to go down at the waterfalls. Viewpoints se kaam chalaya. I chose not to go to the double decker Brood Bridge. I went to the single Brood Bridge. And I chose not to walk to the lake. Maine duniya mein itna lake de rakhe hai. Mujhe ek aur lake nahi dekhna tha. So usme bhi I just kept sitting near the bus. So I chose not to take the entire path. And I'm glad I chose myself. Kyunki ye kiya hai to pairon ki halat kharab hai. Agar ye kar lete to wapas hi nahi aa pati. Unacademy ko dusra teacher hire karna padta. So मैंने खुद को चूज किया और फोमो को चूज नहीं किया. तो बाकी लोग कितना ही बोलते रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल वर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस वाज अ गुड डिसीजन बिकॉज नीचे कुछ नहीं था. सबने बोला रे अरे आपने अच्छा किया आप नहीं आए मस्त कुछ नहीं है नीचे. मैंने कहा हम तो पहले ही बोले थे तुमको अब इतना घूम के बैठे नीचे कुछ नहीं है. हम फोटो में देख लिए कुछ नहीं है. तुमको जाना था जाओ. मेरे को कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आ रहा है पैर खराब करके. मैं वहाँ रिलैक्स करने आई थी. मैं रिलैक्स करूंगी. मैं काम करने नहीं आई. मैंने कहा टारगेट्स और डेडलाइंस और पीयर प्रेशर और फोमो और कंपटीशन अनअकैडमी बहुत करवा देता है. वही काम मैं बाहर आके करूँ तो फिर फायदा क्या है. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट ऑल. आई हैड रादर सिट इन द शेड एंड रीड अ बुक. आई डिडंट गेट टाइम टू रीड बट आई हर्ड लिसन टू सॉन्ग्स. आई टॉक्स टू अ कपल ऑफ पीपल. जो तीन आंटियां हमारे साथ थी हम जब मुझसे बड़ी वो लोग चले पैदल और फिर लौटते में उनकी अर्थी लौटी. अर्थी एज इन स्ट्रेचर पे लिटा के चार लोग उनको उठा के लाए हैं. 5,000 पर पर्सन. सो आई डिडंट वांट टू डू दैट. एंड द स्टेयरकेस वाज सो स्टीप दैट आई डोंट ट्रस्ट फोर मेन टू यू नो कैरी मी एट माय वेट. सो इट वाज क्रेजी. आई सेड नो आई विल वॉक. आई विल टेक ब्रेक्स एंड आई वॉक. सो देन आई हैड अ स्ट्रेटजी. आफ्टर एवरी 50 स्टेप्स आई विल टेक अ ब्रेक. So I walked 50, took a break, walked 50, took a break, walked 50, took a break. 50 सीढ़ियों के बाद ब्रेक. तो तब जाके कुछ कुछ सीढ़ियां इतनी खराब थी कि 20 सीढ़ी में ही बैंड बज जाती थी. तो वो सुनने में बहुत कम लगता है 50 सीढ़ियां. बट दे वर वेरी इट वाज एंडलेस. इट वाज सनी एकदम. बहुत खराब था. इट वाज अ वेरी बैड डे. नोबडी शुड गो टू ऑन सच अ ट्रैक. इट इज नॉट इवन अ ट्रैक. इट इज जस्ट स्टेयरकेस. दैट्स इट. No other option other than walking. It's a staircase, so there is no other option. ठीक. एक सवाल था बड़े होकर क्या लिखा? भी मम्मी पापा ट्रिप्स के लिए मना कर देते. कब तक मम्मी पापा की छत्र छाया में रहोगे? कब अपना कमा के अपने डिसीजंस खुद लोगे? तुम सुनकर थक गए. मैं कर थक गई. मैंने सोच लिया अगले बार बस घर पे ही पड़े रहना है. Now, I don't mind doing a trek, but then it was not a trek. It was just, winters would have been better. Even monsoons would have been better. Trek, this was not a trek. This was a staircase, endless stairs. जहाँ तक नजर जा रही है सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं. 4,500 सीढ़ियाँ, समझ रहे हो? कभी एक घंटे तक लगातार सीढ़ी चढ़नी पड़े तो कैसा लगेगा? बस वैसा ही है. एक घंटा चढ़ने में लगा, एक घंटा सवा घंटा उतरने में. सवा घंटा चढ़ने में लगा, एक घंटा उतरने में. स्लिपरी हो जाता, बट धूप तो नहीं होती कम से कम. मॉनसून ट्रैक नो नॉट रियली. थैंक यू प्रेरणा. मेघालय पारस गुड मॉर्निंग. आपको भी हग्स. वेरी ह्यूमिड. चलो लेट्स बिगिन. सो वी आर गोइंग टू डू एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. लेट्स बिगिन. वी हैव ऑलरेडी डन हाउ टू सॉल्व मेन आइडिया क्वेश्चंस. अटैक द पैसेज. रीड एक्टिवली. Okay, anticipate the answer. First and last paragraphs most important. Eliminate wrong answers. Avoid regression. It will waste time. And too broad or too narrow answers are usually traps. I hope everybody remembers this much. Yes, let's start. Main idea question hai, toh sare questions main idea ke hi honge. Ye dhyan rakhna. Has everybody done?
Let's read the question. Karo Ashmit, jaldi karo. No, Supriya. Has everybody done? What is the answer? Okay, it is C versus D. Can all of you take a moment and see whether it's C or D? Theek gaya sab? Ho gaye hoshiyar? Chalo, let's read it. Drug company money influences and corrupts research. पहली लाइन में ही लिखा है कि ड्रग कंपनी का पैसा रिसर्च को करप्ट भी करता है और इन्फ्लुएंस भी करता है. ये एकदम तय बात है. इट्स अ गिवन. What is less understood is why drug manufacturers spend billions for research on off-label uses for the products. जो कम समझ में आने वाली बात है वो ये है कि drug manufacturers billions खर्च कर देते हैं off-label uses के लिए. Off-label uses मतलब जो लेबल पे लिखा हुआ नहीं है, उसके अलावा जो uses हैं उस पे billions खर्च हो जाते हैं. Uses जो FDA ने clear ही नहीं करे थे तब जब drug approval के लिए submit हुआ था. Off-label use allows drug companies to get through the back door what they could never, and I mean never, get away with by going directly to the FDA for approval for a new use of the product. Quotes के बीच में लिखा हुआ है, तो ये quote करा हुआ है कहीं से किसी author की बात की, अगर FDA के पास directly जाते ये uses लेके तो ये drug कभी भी market के लिए clear नहीं होता. लेकिन उसके clearance के बिना ये off-label use पर research करते हैं, बैकडोर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑफ लेबल यूज. अब आप उम्मीद करते होंगे कि रिसर्चर्स वुडंट करप्ट द कमर्शियल एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ अ न्यू और एन ऑफ लेबल यूज ऑफ अ ड्रग टू ट्रीट चिल्ड्रन बाय कवरिंग अप देयर कंसल्टिंग फीस फ्रॉम बिग फार्मा. अब आपको लगेगा कि रिसर्चर्स करप्ट नहीं करेंगे कमर्शियल एक्सपेरिमेंटेशन को किसी भी ड्रग के, लेकिन ऐसा ही है. मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट हैपेंड इज व्हाई इट हैपेंड. तो ये मत देखो कि क्या हुआ, ये देखो कि ये क्यों हुआ. और इस सब के बॉटम पर, इस सब के सतह पर नहीं, इस सब की नींव पर, फाउंडेशन पर क्या है, एक टेरिबल मिस्टेक है जो यूएस ने गलती करी है ये अलाउ करके कि ऑफ लेबल यूज को एक्सप्लॉइट किया जा सके. सो यूएस इज एट मिस्टेक, इज एट फॉल्ट फॉर अलाउइंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑफ लेबल यूज. कहता है द डेविल इज इन द डिटेल. तो डेविल इज इन द डिटेल मतलब जो बारीकियां हैं उस पर ध्यान दो. और ऐसी ही यहाँ पे स्टोरी अनफोल्ड हुई है. Leading Harvard professors studying off-label uses, the goldmine of the drug industry, have violated the National Institute of Health reporting requirements when more than $10,000 has been received from a subject company, according to New York Times. तो बहुत सारे leading Harvard professors ने participate करा इस corrupt usage में. ये drug industry का goldmine है और National Institute of Health की जो reporting requirement है उनको violate किया है और इतना इतना पैसा company से लिया है New York Times के हिसाब से. अब अगर हार्वर्ड उनको फायर नहीं करता है तो हार्वर्ड भी कॉम्प्लिसिट हो जाएगा उनके कवर अप में. कॉम्प्लिसिट मतलब भागी हो जाएगा, सहभागी हो जाएगा, उनका साथ देगा. तो अगर उनको फायर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप भी उतने ही जिम्मेदार है जितने कि ये प्रोफेसर जिम्मेदार है. तो स्ट्रोन इसकी, तो जो उसकी ऑथर की जो टोन है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती है. कहता बाहर फेंको इन्हें, थ्रो देम ऑफ द कैंपस. फिर कहते हैं रिंग द बेल लाउड एंड क्लियर दैट नो मैटर हाउ रेनाउंड स्टेलर इफ यू डोंट प्ले बाय द रूल्स यू कैन नॉट प्ले एट ऑल. कहते हैं कि हार्वर्ड को उनको फायर करना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए और एकदम साफ साफ शब्दों में लोगों को बताना चाहिए कि भाई तुम कितने महान साइंटिस्ट हो गए, बहुत स्टेलर रेपुटेशन होगा तुम्हारा, लेकिन अगर तुम रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो तुम खेल नहीं सकते, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट. और बैन कर देना चाहिए हमेशा के लिए कि उनको कोई ग्रांट्स नहीं मिलेंगे उनके रिसर्च के लिए. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट वाली टोन में ऑथर बात कर रहा है. फिर अचानक से टोन बदलते हुए कहता है डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बेबी वाटर. व्हाट डज दिस मीन, डोंट थ्रो द बेबी, थ्रो आउट द बेबी विद द वाटर. तो बेसिकली एक पुराने जमाने में ऐसे टब्स में, और कब आज भी इनफैक्ट टब्स में हम बच्चों को नहलाते हैं, ठीक है, तो इसका पानी हम बाहर फेंकते हैं. तो अगर बच्चा अंदर ही और आपने बाल्टी पलट दी तो बच्चा भी बाहर गिर जाएगा, ठीक है. तो इस कहावत का मतलब यह है कि किसी चीज की नेगेटिविटी को फेंकते वक्त उसकी पॉजिटिविटी को मत फेंक दो. सो डोंट एलिमिनेट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ समथिंग जस्ट बिकॉज यू वांट टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिविटी. दैट्स व्हाट द इडियम मींस. इट्स अ मुहावरा, इट्स एन इडियम.
कहते हैं कि लेकिन सारी पॉजिटिविटी बाहर मत फेंको, एक बार पनिशमेंट हो जाता है और सर्व कर लेते हैं वो लोग पनिशमेंट, तो रिसर्चर्स को मौका दो कि अपनी टार्निश्ड, दागी, स्टेन्ड रेप्यूटेशन को करेक्ट कर सके, उनको अलाउ करो कि वो कंडक्ट कर सके रिसर्च एक रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर के सुपरविजन में, और वो एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा होना चाहिए जो वेरिटास को फॉलो करता है, जिसका मतलब है ट्रूथ, एक्यूरेसी और ऑनेस्टी और अपराइटनेस, और ये सिर्फ एक मोटो नहीं। तो हम एंटिसिपेट करेंगे आंसर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज कौन कौन से हैं। पहला इंपॉर्टेंट आइडिया तो यही है कि ड्रग कंपनी मनी इन्फ्लुएंसेस एंड करप्ट्स रिसर्च। दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि ऑथर कहता है कि अप्रोप्रिएट पनिशमेंट सर्व करवाना चाहिए इससे पहले कि हम उनको दोबारा काम करने का मौका दें। तो एक पनिशमेंट वाली बात इंपॉर्टेंट है, एक करप्ट वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये दो बातें मेन मेन इंपॉर्टेंट है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं और एलिमिनेट करते हैं। टू एक्सप्लेन हाउ ड्रग मैन्युफैक्चरर्स इन द यूएस मेक बिलियंस थ्रू रिसर्च ऑन ऑफ लेबल यूजेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड टू आर्ग्यू फॉर सिवियर पनिशमेंट टू द हार्वर्ड प्रोफेसर्स हु आर कॉम्प्लिसिट इन द कवर अप। Harvard professors are not complicit in the cover-up. Harvard is complicit in the cover-up if it is not punishing the professors. Yes? Understood? Okay? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है? और drug manufacturers spend billions for research लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है? Drug manufacturers make billions through research. They don't make, they spend. This is a factual error. बहुत सारे बच्चों का इस पे ध्यान नहीं जाता है, ध्यान जाना चाहिए। पीछे लिखा है, What is less understood is that drug manufacturers, why do they spend billions? और आंसर में लिखा है, they make billions. Both are different. तो ये गलत है। To argue that Harvard professors are complicit in the cover-up of research on off-label drugs and they should be banned from receiving grants, again this is wrong. Harvard professors are not complicit in the cover-up. Harvard professors are responsible for this research, and if Harvard doesn't fire them, then it is complicit in the cover-up. Again a problem. Factual distortion. To bring to light the drug manufacturers invest billions in research on the off-label uses of drugs, adhura answer, incomplete. To explain how off-label profiteering corrupts research in the US, pehla point. And to argue for punishment to the Harvard professors involved in such research. Both the points covered, looks like a good answer, definitely better than A, B and C. To explain that drug manufacturers in the US spend billions on research on off-label uses for their products, to profiteer through unapproved use of the drugs, and the complicity of Harvard professors in this research. Again, Harvard professors are not complicit. They are the ones who are responsible for such research. Right? This portion is correct. Drug manufacturers spend billions on research. Ye theek hai. To profiteer through unapproved use, ye diya hua nahi hai. Complicity of Harvard professors, diya hua nahi hai. To dono hi points garbad hai. Tumhare paas ek hi option achha bachta hai. D. Theek hai? To time taking question hai. क्योंकि जो टेक्स्ट है वो डेंस है, ठीक है? कोई डाउट है तो बताओ। समझ आ गया एलिमिनेशन कैसे करना है? मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक? ओके। ओके, लेट्स डू दिस वन। और लेट आओ नालायक। I think this should be 17 if I'm not wrong. 1815 to 1817. प्लीज कह दो कि बहुत खराब पैसेज है। सबने पढ़ लिया? वेटिंग तान्या देवयानी कर लो। बहुत ज्यादा डेटा वाला पैसेज होता है तो रिमेम्बर करने पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, मोटी मोटी बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस करते वक्त वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको कितना भी रटने की कोशिश करो आप भूल ही जाओगे। तो अकेले नहीं हो अंशुमन,
You get me what I'm saying? Don't try to learn things. Don't try to retain everything. Just try and get a vague idea of what is being said. Temperature rise, temperature fall down. Okay? And then we'll have to come back to it or reread it when we are solving the question. Absolutely patanglutely boring. ठीक है चले क्वेश्चन पे ठीक यस प्रेरणा बट समटाइम्स वी हैव टू व्हेन द पैसेज डिमांड्स तो अभी तो एग्जाम वाली चॉइस नहीं है ना कि छोड़ सकते हैं दूसरा कर लेंगे अभी तो करना पड़ेगा ना लैपटॉप पे नहीं करते हो क्लास समीक्षा टैबलेट ले लो छोटा सस्ता वाला 10,000 तक का किश्तों पे ले लो अपने पॉकेट मनी से क्वेश्चन देखो कितना इजी है कर लिया गुड गर्ल ले लो गवर्नमेंट का सब यूज करते हो लाओ पी लेते हैं पानी वो भी मेड भर के गई है शाम को मिलेगी ठंडा नहीं है पानी अभी उसमें ले लो पारस सब तुम्हारा ही तो गवर्नमेंट किस हिसाब से टैब्स देती है कॉलेज स्टूडेंट्स को सबको गवर्नमेंट कॉलेजेस ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे क्या बात तुम्हारे पास तो है तुम क्या करोगी मुझे भी दिलवा दो यूपी में सबको मिले हैं ओके कास्ट के हिसाब से पैसे मिले हैं मैकबुक कहाँ है उसके पास सैमसंग है ना कृति के पास तो 50K ओके कर्नाटका इलेक्शंस के रिजल्ट्स कैसे लगे आप लोगों फॉलो करा न्यूज पढ़ी बताओ देखो टैबलेट सैमसंग है पता है मुझे पढ़ लेना इट इज इम्पोर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करंट अफेयर्स ठीक चलो ओके पैसेज देखते हैं कर लिया क्वेश्चन आंसर क्या है What is the answer? नहीं देखा केरला स्टोर मैं ट्रिप पे गई थी मैं वहां बैठ के केरला स्टोर देखूं सी डी ई बी चार ऑप्शन बोल दिए तौबा तौबा इतना डिफिकल्ट था नहीं जितना तुम लोगों ने आंसर्स देके बना लिया ई या बी लग रहा है तो रूल आउट करो ना सारे बच्चों को एक ही थ्योरी पढ़ाई है बट आंसर सबके गलत है या तो तुम गलत हो या मैं गलत हूँ अब आ रहे धीरे धीरे लाइन पे चलो लेट्स रीड द स्ट्रेटोस्फेरिक वेल ऑफ फाइंड स्ट्रेटोस्फेयर सबको पता है द पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर जहाँ एरोप्लेन्स चलते हैं वेल मतलब कवच मास्क आवरण हिंदी में कहते हैं हिजाब उर्दू में कहते हैं ठीक नकाब चलेगा द स्ट्रेटोस्फेरिक मास्क ऑफ फाइन डस्ट क्रिएटेड बाय अ लार्ज वोल्केनिक इरप्शन तो फाइन डस्ट रिलीज होती है जब एक बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन होता है इट लीड्स टू अप्रिशिएबल बट टेम्पररी ट्रांजिएंट कूलिंग अराउंड द ग्लोब जब एक बड़ा वोल्केनो फटता है तो दुनिया भर में एक टेम्पररीली ही सही बट एक कूलिंग होती है स्पेशली अगर समर्स हो और स्पेशली अगर हम हायर ऑल्टीट्यूड की बात करें Due to an increase of planetary albedo, हमें नहीं पता albedo क्या होता है तो हम छोड़ देंगे और बाकी का passage फिर भी समझने की कोशिश करेंगे
इसीलिए हो जाता है क्योंकि कुछ कुछ इंक्रीज हो जाता है. क्या इंक्रीज होता है? प्लैनेटरी एल्बेडो इंक्रीज हो जाता है. हाउएवर थ्योरी सजेस्ट दैट एरोसोल्स बिगर देन 2.2 माइक्रोन्स. मुझे नहीं पता एरोसोल्स क्या होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा था फाइन डस्ट और यहाँ पर लिखा है 2.2 माइक्रोन, तो मैं गेस कर सकती हूँ कि ये किसकी बात हो रही है, ये पार्टिकल्स की बात हो रही है. एरोसोल्स मस्ट बी द पार्टिकल्स, वी कैन गेस इट. तो इसमें लिखा है थ्योरी सजेस्ट करती है कि पार्टिकल्स मोर देन 2.2 माइक्रॉन्स कॉज नेट वार्मिंग बिकॉज द ट्रैपिंग ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एक्सीड्स द इफेक्ट ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट. आई थिंक दिस शुड बी ऑफ, आई डोंट नो, दिस लुक्स लाइक अ टाइपो. तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है वो ट्रैप हो जाती है और एक्सीड करती है सनलाइट के फैलने को, तो इसलिए वार्मिंग होती है. Therefore, violent volcanic eruptions such as Krakatoa in 1883 would cause some warming for the first few months, and then when the larger particles are settled down, it will cause a large global cooling by 1-2 Kelvin. तो शुरू शुरू में वार्मिंग होती है और जब लार्जर पार्टिकल्स की बारी आती है सेटल होने की तो 1 या 2 केल्विन कम हो जाता है टेम्परेचर. The biggest eruption in the last 2 centuries was one of the Tambora in 1815. A year which was followed the year without a summer in US and elsewhere. तो यहाँ पर जब तंबोरा में biggest eruption हुआ था तो summer ही नहीं हुआ था कहीं, summer आया ही नहीं. तंबोरा caldera is located in फलाना ढिंगा ना, हमें ये सब याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि इस पे question नहीं आया. question तो आया main idea, तो हम ये सब क्यों याद रखेंगे, तो ये सब important नहीं है. ये 1815, 1883, Krakatoa, blah blah, हमें तो main idea देखना है. तो डेटाबेस पैसेज है लेकिन क्वेश्चन डेटाबेस नहीं है, तो डेटा में माता बच्ची नहीं करने का, मोटा मोटा बात समझने का. तो मोटा मोटा बात फर्स्ट पैसेज से क्या समझ आया है कि भैया पहले Krakatoa में वार्म हुआ था फिर कूल हो गया था, और फर्स्ट वाले में लिखा था कि जब वोल्केनो आता है तो इसका बाद कूलिंग हो जाती है. इतना क्लियर है, इससे सब संतुष्ट हैं. दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ देख लेते हैं. Logbooks of 227 ships at sea in 1815 to 1817 show that for about 4 months following the eruption, above normal temperatures were measured. ये भी वही बात कह रहा है कि temperature बढ़ गए थे 4 महीने बाद. फिर a La Nina occurred, ठीक है, cyclone होता होगा मेरे ख्याल से. Occurred between late 1815 and 1816, that is sea surface temperatures were below normal. Sea surface temperature फिर से नीचे जा रहा है इस Atlantic में, Pacific में. फिर एल नीनो स्टार्ट हो गया 1816 में, तो ड्रॉट आ गया ब्राजील में. मरीन टेम्परेचर्स आउटसाइड द ट्रॉपिक्स वर जनरली लोअर देन नॉर्मल, फिर टेम्परेचर कम हो रहा है. तो घूमपिर के बाद क्या कह रहा है कि वोल्केनो से टेम्परेचर पर असर होता है. अभी तक मोटी मोटी बात यही समझ आई है मुझे. अपार्ट फ्रॉम एनोमलस वार्मथ, एनोमलस वार्मथ मतलब एबनॉर्मल वार्मथ जो कभी नहीं देखने को मिलती, दीज ऑब्जर्वेशंस फिट द पैटर्न यील्डेड बाय अ जीसीएम व्हिच इनकॉर्पोरेट्स द इन्फ्लक्स ट्रांसपोर्ट एंड फॉलआउट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक aerosols from the Tambora as well as the La Nina. तो ये तो extra information दे रहा है कि ये organization है GCM जो कि incorporate करती है सारा आना जाना transport फलाना ढिंकाना aerosols का, और ये उस pattern को fit करता है temperature का गिरना और फिर बढ़ जाना. More recent example है Mount Pinatubo का Philippines में June 1991 में, ठीक है. Global warming होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ global warming नहीं होना चाहिए. तो 3 महीने global warming होती है, उसके बाद पॉसिबली एल नीनो इवेंट की वजह से ये हुआ था, फिर जब एल नीनो हट जाता है तो फॉल हो जाता है फिर से टेम्परेचर में 1 केल्विन का, और ये एनोमली फिर गिर जाती है 0.5 रह जाती है 16 मंथ्स में, फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर लोअर स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर जो वो फिर से बढ़ जाता है 1.5 केल्विन क्योंकि डस्ट अब्जॉर्ब हो रही है सोलर रेडिएशन की वजह से, फिर से टेम्परेचर गिर जाता है ब्लैक टू नॉर्मल एज द डस्ट सेटल्ड आउट. तो इतनी भसड़ जो भाई साहब ने करी है, इसका कहना ये है कि टेम्परेचर का उतार और चढ़ाव, यूजुअली पहले वार्म होना और फिर कोल हो जाना, इज वेरी कॉमन व्हेनेवर देयर इज अ वोल्केनिक इरप्शन, बिग वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक इरप्शंस एंड क्लाइमेट चेंज. नाउ क्लाइमेट चेंज इज अ मच लार्जर फिनोमिनन. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज एज पर द volcanic eruption. But climate change is not a good answer. The effect of volcanic eruptions on surface temperature. Badhiya answer hai. Badhna, ghatna, sari baat cover ho rahi hai. Specific answer. History of volcanic eruptions is only taken as an example to support the idea that temperatures change. Yes?
volcanic eruptions cause ocean currents and global warming. What about cooling then? It's not just global warming. Also, this warming is not permanent, it is transient. So can I say that it causes global warming? No, kyunki wo transient hai na, temporary hai na. Simulation yani copying of climate change through models based on volcanic eruptions. Sabse kharab answer. E mark kara to pitai honi chahiye. ये हमने कहां बोला कि हम क्लाइमेट चेंज को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन से? ठीक, सो घूम फिर कर आंसर क्या बचता है? पैसेज जितना इरिटेटिंग क्वेश्चन उतना ही आसान है. इट्स अ गुड टाइम टेकिंग पैसेज प्रदीप. सो एज पर टाइम टेकिंग दिस इज मॉडरेट, नॉट इजी, नॉट डिफिकल्ट. व्हाई नॉट डिफिकल्ट? बिकॉज द क्वेश्चन इज स्कोरिंग. अगर क्वेश्चन कुछ फाड़ आ जाता, कुछ स्पेसिफाइड आइडिया जिसमें पीछे जाकर ढूंढना पड़ता तो वो भी डिफिकल्ट हो जाता. तो बैलेंस आउट करते हैं दोनों एक दूसरे को. इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट पैसेज, कंबाइन टुगेदर टू गिव यू अ मॉडरेट पैसेज. ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग करें. लेट्स डू अ कैट पैसेज. दिस इज इजी, यू विल बी एबल टू डू एंड गेट ऑल द क्वेश्चंस राइट. टेक इट एज अ चैलेंज. ऐसा तो कुछ नहीं है रूपा, ये तुम्हारा इन्फरेंस किस प्रमाइस पे बेस्ड है? मैं थकी हुई हूँ बस बहुत, और बहुत काम है पेंडिंग, ऑफिस के भी और घर के भी. क्वेश्चन एंड आंसर मेंशन इन द चैट बॉक्स. पीडीएफ कब बनाया? जाने से पहले. It's a long passage. In 2003, the paper used to be offline, and offline passages are longer. सबका हो गया. Next slide पे चलें. Passage बाकी है अभी. पढ़ लिया. चलें आगे. Okay, there are 5 questions. You will do them, write the answers in your notebook, and then we'll discuss all of the 5 questions together. Am I clear? Yes. So write all the answers in your notebook, and then we'll discuss the passage and the questions. Last paragraph. Done? Chalein aage. The passage is full of details. We will come back to the passage if required, depending on the question. ठीक है, चलो. Question number 1. I am giving you 60 seconds. Next question. चले आगे. कर लिया. This is not a 60 second question. Both. No teacher is completely free or completely plus. Everybody takes 1/4 of their hours as free and the remaining as plus. Last question.
Okay, done. Easy questions. Have you understood the passage well, or do you want me to explain it a little? We have a little time we can do with the explanation. Okay, you tell me what is the central idea of the passage. It's a CAT passage, okay, and it's from CAT 2003. Also, it is written R because CAT happened twice that year because the first paper was leaked. So when the first paper was leaked, there was a re-exam. So this is from the re-exam that happened. Okay. The endless struggle between the flesh and the spirit can be found an end in Greek art. So duniya mein hamesha flesh or spirit, tan or atma ki beech ki jo ladai hai, it found an end in Greek art. Greek art mein ye khatm ho jati hai, ye struggle nahi rehti hai. Greek artists ko iske bare mein koi idea hi nahi tha कि स्ट्रगल है फ्लैश और स्पिरिट के बीच में. वो लोग स्पिरिचुअल मटेरियलिस्ट थे, उन्होंने कभी भी बॉडी के इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं करा. मटेरियलिज्म हम पढ़ेंगे, आरसी जॉनरस आने वाला है इस महीने के एंड में, अगर किसी को नहीं पता है तो आज बता दिया. तो स्पिरिचुअल मटेरियलिस्ट डिनाई नहीं करते थे बॉडी का इम्पोर्टेंस, और वो बॉडी को एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के हिसाब से देखते थे. तो उन्होंने कभी भी शरीर को डिस्कार्ड नहीं करा उसकी इम्पोर्टेंस को. मिस्टिसिज्म एलियन था उनके लिए, क्योंकि वो लोग थिंकर्स हुआ करते थे. देवर विचारक जो विचार से ईश्वर को हासिल करने की कोशिश करता है, या विचार से दुनिया के रहस्यों को सॉल्व करने की कोशिश करता है. मिस्टिसिज्म इज अबाउट एक्सपीरियंसिंग गॉड, कनेक्टिंग विद हिम. थिंकर्स यूज देयर थॉट टू टॉक अबाउट गॉड और स्पिरिचुअलिटी. सो देवर थिंकर्स. मिस्टिसिज्म वॉज एलियन टू देम. Thought and mysticism never go well together. और इसीलिए ग्रीक आर्ट में सिंबलिज्म नहीं है कोई भी. अथीना जैसे हिंदुइज्म में सिंबल है, लक्ष्मी इज अ सिंबल ऑफ वेल्थ, गणेश इज अ सिंबल ऑफ बुद्धि. ओके, सो देयरफॉर हिंदुइज्म में हमें सिंबल्स मिलते हैं, ग्रीक आर्ट में सिंबल्स नहीं है. अथीना जो उनकी गॉडेस है वो विजडम का सिंबल नहीं है, बल्कि विजडम का एम्बॉडीमेंट है. और उसका स्टैचू कैसे होता है, ब्यूटीफुल सीरियस विमेन जैसे स्टैचूज होते हैं. हमारी गॉडेसेस कितनी डिफरेंट दिखती हैं. उनकी अथीना गॉडेस बड़ी सिंपल सी, ब्यूटीफुल सी, सीरियस सी वुमन है, और उसकी सीरियसनेस से उसकी विजडम का पता चलता है. लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है ये दिखाने का कि अथीना कितनी सीरियस है. अगर हम अपोलो को देखते हैं तो अपोलो सन का प्रतीक नहीं है, जैसे हमारे यहाँ सूरज देवता का प्रतीक होता है, चांद भी देवता का प्रतीक होता है, इंद्र बारिश का प्रतीक होता है. उनके वहां वैसा नहीं है. वहां पे अपोलो सन का सिंबल नहीं है, वसाइज आर्टेमिस मून का सिंबल नहीं है. नथिंग लेस अकिन इज सिमिलर. देयर कुड बी नथिंग लेस सिमिलर टू द वेज ऑफ सिंबोलिज्म देन देयर ब्यूटीफुल नॉर्मल ह्यूमैनिटी. उनके गॉड्स एकदम ब्यूटीफुल नॉर्मल ह्यूमंस जैसे रहते हैं, इतना ही सिंबोलिज्म है. इनफैक्ट ग्रीक्स को डेकोरेशन भी पसंद नहीं आता. वो अपनी आर्ट में प्री ऑक्यूपाइड थे इस बात से कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, ना कि कैसे दिखाना चाहते हैं. उनके लिए लवली एक्सप्रेशन, यू नो, ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करना उनको अपील नहीं करता था. उनको डेकोरेशन वेकोरेशन से वो मतलब नहीं. इसलिए ग्रीक आर्ट जो है वो इंटेलेक्चुअल आर्ट है. ये ऐसे लोगों की आर्ट है जो क्लियर थिंकर्स थे. ल्यूसिड का मतलब भी क्लियर ही होता है, और इसलिए उनकी आर्ट बड़ी सादी है, सिंपल है, प्लेन है. आर्टिस्ट देन होम द वर्ल्ड वॉज नेवर सीन ग्रेटर. आई रियली लाइक हाउ ही हैज rather than writing that the world has not seen greater than Greek artists, he has written artists than whom the world has never seen greater. So, दुनिया ने कभी Greek artists जैसे artists ही नहीं देखे. Men endowed with, यानी blessed with, the spirit's best gift, found their natural method of expression in the simplicity and clarity and endowment of the unclouded reason. वो लोग इतने rational thinker type लोग थे कि उनकी जो art है वो बड़ी simple और clear है. उसमें कुछ भी एक्सेस में नहीं है, कोई सजावट दजावट फूल पत्ती कुछ नहीं. उनका जो डिक्टम था, उनका जो मंत्र था, वो था कुछ भी एक्सेस में नहीं करना. इट यूज टू ब्रश असाइड, किनारे कर देता था किसी भी तरीके की ऑब्सक्योरिटी को. ऑब्सक्योरिटी इज कंफ्यूजन, एंटैंगलिंग यानी उलझन, सुपरफ्लुइटी यानी एक्स्ट्रा. इन सारी चीजों को छोड़ देता था और क्लियर प्लेन अनअडॉर्न यानी अनडेकोरेटेड. अडॉर्न मतलब डेकोरेटेड होता है, चीजों से वो खुद को एक्सप्रेस करते थे. Structure belongs in an special degree to the province of the mind and art, and architectonics were preeminently a mark of the Greek.
The power that made a unified whole the trilogy of a Greek tragedy that envisioned the sure, precise, decisive scheme of this Greek statue found its most conspicuous expression in Greek architecture. तो जो पावर था जो ट्रायोलॉजी को ग्रीक ट्रेजेडी की यूनिफाई करता था वो सारा का सारा हमारे को ग्रीक आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है. तो ग्रीक आर्किटेक्चर जो है, ग्रीक टेम्पल जो है, वो माइंड और स्पिरिट को इक्विलिब्रियम में लेके चलता है, उसके बीच की स्ट्रगल को नहीं दिखाता, साथ में लेके चलता है दोनों को. हिंदू टेम्पल तो अडॉर्नमेंट का कॉन्ग्लोमरेशन है. हिंदू टेम्पल में कितना डेकोरेशन रहता है, अडॉर्नमेंट इज डेकोरेशन. बिल्डिंग्स की लाइन तक छुपा दी जाती है, वो भी हमें अच्छी नहीं लगती. हम उसके ऊपर भी डेकोरेशन चढ़ा देते हैं कुछ ना कुछ बना के. हमारे पास स्कल्पचर्स रहते हैं, ऑर्नामेंट्स रहते हैं, बिल्कुल दुनिया से थिक मासेस से हटकर हमारा डेकोरेशन रहता है, और हम एक कंफ्यूजिंग सीरीज ऑफ इरेग्युलर टीयर्स के साथ उसे डेकोरेट करते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं ना, ऐसे 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 करके, जब हमारा क्या बोलते हैं उसको, कॉनिकल जो बना रहता है उस पर, फिर आपको ऐसे सीढ़ी टाइप स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. इट इज नॉट अ यूनिटी बट अ कलेक्शन. हमारी आर्ट में यूनिटी नहीं है, हमारी आर्ट एक कलेक्शन है, रिच है और थोड़ी कंफ्यूज लगती है. इट लुक्स लाइक समथिंग नॉट प्लान्ड बट बिल्ड दिस वे. ऐसा लगता है हमने प्लानिंग करके नहीं बनाया, बट ये है ही ऐसा, शुरू से ही ऐसा है, और ऐसा लगता है जैसे ये जरूरत थी हमारे कोई ऑर्नामेंट्स की. जो कन्विक्शन है सबके पीछे वो क्या थी, Each bit of the exquisitely wrought detail, wrought is the past tense of Greek, W-R-E-A-K. एक एक चीज जो बारीकी से डिटेल की गई है उसका एक मिस्टिकल मीनिंग है. और टेम्पल का एक्सटीरियर इम्पोर्टेंट था आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि आर्टिस्ट उस पर इंस्क्राइब करता था ट्रूथ के सिम्बल्स को. तो आपको ये डेकोरेशन लगता होगा लेकिन ये डेकोरेशन, आपको ये आर्किटेक्चर लगता होगा लेकिन ये आर्किटेक्चर नहीं है, डेकोरेशन है. ये आर्टिस्ट का खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है. अब हम इजिप्ट पे आ जाते हैं, तो इजिप्ट के जायजेंटिक टेम्पल्स कैसे रहते हैं? ऐसा लगता है कि बस बड़े बड़े ग्रेनाइट, पता नहीं कहाँ से लोगों के पास इतना पावर आया हुआ होगा कि ऐसे ऐसे पत्थर उठाकर एक के ऊपर एक रख दिए जिन्हें सिर्फ अर्थक्वेक ही हिला सकता है. तो ये ज्योमेट्री देखने को मिलती है जिसमें ब्यूटी बैलेंस्ड है. तो ज्योमेट्री वाला पोर्शन कहाँ आ जाता है, इजिप्ट में आ जाता है. उसमें साइंस है, स्पिरिट है, लेकिन सबसे ज्यादा एक फोर्स है, इनह्यूमन फोर्स है. इतना फोर्स, इतने बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर एक रखें कि लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी इंसान ने रखे हो. एक कामनेस है, लेकिन वो इतनी बड़ी कामनेस है, इतना ओवरपावरिंग स्ट्रक्चर है कि आप उसके सामने खड़े होते हैं तो आप ओवरवेल्म हो जाते हैं. आपको लगता है कि आपकी कोई बिसात ही नहीं है, आपकी कोई औकात ही नहीं है, कोई हैसियत नहीं है. इट रिड्यूसेस टू नथिंगनेस ऑल दैट बिलोंग्स टू मैन. आप उन स्ट्रक्चर्स के सामने खड़े होते तो आपको लगता है कि हम कुछ नहीं है इसके आगे. ही इज एनाइलेटेड, इंसान डिस्ट्रॉयड फील करता है. Egyptian architects were possessed by the consciousness of the awful, irresistible domination of the ways of nature. जैसे नेचर हमें डोमिनेट करती है irresistible तरीके से और awful तरीके से, उसी तरीके से उनका आर्किटेक्चर भी हमारे साथ है. वो हमको ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक insignificant atom. Greek architecture is the expression of men who were intellectual artists, हमने already about discuss कर ली, and lovers of the human world. तो ह्यूमन एस्पेक्ट जो दिखेगा आपको, वो आपको हिंदुइज्म में नहीं दिखेगा, इजिप्शियन में नहीं दिखेगा, ग्रीक टेम्पल में दिखेगा. ग्रीक टेम्पल इज द परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द प्योर इंटेलेक्ट इल्यूमिन्ड बाय द स्पिरिट. इंटेलेक्ट को बहुत वैल्यू, सब कुछ प्लेन सादा सादा है. कोई भी दुनिया की बिल्डिंग सिंप्लिसिटी में बीट नहीं कर सकती है ग्रीक आर्किटेक्चर को. अगर आप पार्थेनॉन विजिट करते हैं या अपोलो विजिट करते हैं एथेंस में जाके, तो आप देखेंगे कुछ नहीं है, स्ट्रेट कॉलम्स बने हुए हैं. आपने एक्रोपोलिस का फोटो देखा, बस ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कॉलम्स बने हुए हैं और सब कुछ टूटा टाटा हुआ है, क्योंकि रोमन और पर्शियन वॉर में सब कुछ टूट गया. तो लंबे लंबे स्ट्रेट कॉलम्स हैं, एक बड़ा सा पेडिमेंट यानी चबूतरा टाइप का है, और कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग मोर. और उसके बावजूद ये ग्रीक मिरेकल है, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ वो इतना मजेस्टिक और ब्यूटिफुल लगता है, जिसको आप दुनिया के सारे कैथेड्रल्स, पैलेसेस और टेम्पल्स से कंपेयर कर सकते हो. मजेस्टिक है लेकिन ह्यूमन है. जब कोई चीज मजेस्टिक और ह्यूमन होती है तो उसे ग्रीक कहते हैं. उसमें कोई सुपर ह्यूमन फोर्स नहीं है जैसे इजिप्ट में है, इंडिया के जैसे कोई सुपर नेचुरल शेप्स नहीं है. पार्थेनॉन तो ह्यूमैनिटी का प्रतीक है, इज काम, ऑर्डर, श्योर. ग्रीक्स ने फ्लंग, फ्लंग इज द मास्टर सो फ्लिंग विच मीन्स टू थ्रो. ओके, सो फ्लंग अ चैलेंज टू द नेचर इन द फुलनेस ऑफ देयर जॉयस स्ट्रेंथ. They set their temples on the summit of a hill overlooking the white sea, outlined against the circle of the sky. तो ये अगर आप Acropolis देखते हैं तो वो Aegean Sea को overlook करता है और hill top पर situated और पूरा Athens वहाँ से दिखता है.
they would build what was more beautiful than hill and sea and sky and greater than all these. तो उन्होंने कैसी चीज बनाने की कोशिश की जो हिल से सी से स्काई से इन सबसे महान और इन सबसे ऊंचा और इन सबसे बेहतर है. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टेम्पल छोटा है या बड़ा है, साइज के बारे में कोई नहीं सोचता, ये भी कोई नहीं ध्यान देता कि कितना रुइन हो गया. छोटे से थोड़े से वाइट कॉलम्स खड़े कर दिए एक लॉफ्टी सी हाइट पर और बस लगता है कि वही सब कुछ डोमिनेट कर रहा है स्वीप ऑफ सी को जो आसपास है. ग्रीक आर्किटेक्ट के लिए आदमी ही सब कुछ है. मैन वॉज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. उसका मन दुनिया के लॉज को समझ सकता है और उसकी जो स्पिरिट है वो दुनिया की ब्यूटी को डिस्कवर कर सकती है. मोटी मोटी बात, ग्रीक आर्ट सिंपल है, इंटेलेक्चुअल है, प्लेन है, ह्यूमन है. हिंदू आर्ट डेकोरेटिव है, सुपरनेचुरल है. इजिप्शियन आर्ट ज्योमेट्री विद ब्यूटी है, ओवरवेलमिंग है और सुपर इम्पोजिंग है. पैसेज क्लियर है? पैसेज पढ़ने में टाइम टेकिंग है लेकिन 5 क्वेश्चंस हैं और पांचों इजी. फर्स्ट वाले का आंसर बताइए. द ग्रीक्स फ्लंग अ चैलेंज टू नेचर इन द फुलनेस ऑफ देयर जॉयस स्ट्रेंथ. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द चैलेंज दैट इज बीइंग रेफर्ड टू. सबका आंसर 2 है, मेरा आंसर 3 है. To build monuments that were appealing to the mind and spirit than nature's creations. Last paragraph. Beautiful than hill and sea and sky and greater than all these. Matching the background colors wrong, mentioned ही नहीं है. Bigger than nature's creations, no. वो Egypt वाले करने की कोशिश करते थे. Architectural perfection is not their concern. वो कुछ भी बड़ा छोटा perfect बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो human चीज बनाने की कोशिश कर रहे. 4.2, very easy. Which of the following is not a characteristic? Lack of excess is a characteristic of Greek architecture. Simplicity is a characteristic. Intellect is a characteristic. Mystic spirituality is a Hindu characteristic. Therefore, this is the answer. किसी ने not नहीं पढ़ा है तो buts पे पिटाई. From the passage, which of the following combinations can be inferred to be correct? Hindu temple power of nature wrong. Parthenon simplicity right, Egyptian temple mysticism wrong, Greek temple symbolism wrong. Greek temple में कोई symbolism नहीं है, Egyptian temple में कोई mysticism नहीं है, Hindu temple का nature से कोई लेना देना नहीं है. एक ही answer ठीक है, Parthenon में simplicity देखने को मिलती है. According to the passage, what conception of man can be inferred from Egyptian architecture? क्या mark किया? Egyptian architecture. Man is center wrong. Egyptian temple save man from inhuman forces not mentioned. Temple celebrate man's victory over nature wrong. Inconsequential, insignificant atom. Before the tremendous force of nature. Last question. According to the passage, which of the following best explains why there is little symbolism in Greek art? Yes, it's a good passage. Correct. The Greeks focused on thought, intellectuals there, rather than mysticism. Mysticism is found in Hinduism. Struggle between the flesh and the spirit found and end in Greek art. This is true, but does not answer the question. Doesn't explain why there is little symbolism. So it's a trap. Greek artists were spiritual materialists, true again, but doesn't answer the question. Greek statues were embodiments rather than symbols of qualities, true again. True, but doesn't say anything. So this is the answer. It's a good question because all the options are true. तो true के चक्कर में बच्चे confused हो गए, या तो छोड़ देते हैं कि सब कुछ तो true है, या फिर गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं क्योंकि ट्रैप में गिरना आसान है. अब बताओ 5 में से कितने ठीक हुए या 7 में से कितने ठीक हुए, ये भी बता सकते हो. ये पैसेज 5 में से 5 वाला है. टाइम भी पूरा था, पढ़ा भी तसल्ली से. 7/7 इज ऑसम, 5/7 इज ओके, 6/7 इज ऑसम. ठीक है, अब इस में आपका बच जाता है सेकेंड पैसेज, वो आप करेंगे एज होमवर्क. हो सके तो क्लास खत्म होने के साथ साथ ही कर लो. इतना सा पढ़ के एक क्वेश्चन करना है, आंसर लास्ट स्लाइड पे मेंशन है. मैं नहीं खोल रही हूँ क्योंकि एक ही आंसर है तो याद हो जाएगा कि आंसर क्या था.
तो ये एक क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व कर लो, क्लास के साथ साथ ही 2 मिनट लगेंगे, और आंसर चेक कर लेना लास्ट स्लाइड पर पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है? अच्छा, अब एक और बात, क्लास खत्म होने में 1 मिनट बाकी है, बाकी बातें शाम शाम को क्लास नहीं है थैंकफुली। अब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा मंडे, कल आई थिंक 12:30 बजे आपका एक्लेक्टिक रीडिंग होगा और 7:30 बजे क्लास होगी, जितना मुझे याद है। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, आई हैव टू चेक, बट कल मंडे है, 15th of May है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 12:30 बजे एक्लेक्टिक रीडिंग होगा और 7:30 बजे क्लास होगी। इस महीने के एंड में आरसी जॉनर्स होगा, ठीक है? आरसी जॉनर्स से रिलेटेड कोई सजेशन है तो ग्रुप पर डाल दो, ठीक है? और उस पर हैशटैग डाल देना पॉपकॉर्न, ठीक है? तो मैं सर्च कर लूंगी इससे, और जो भी इंक्लूड करने लायक चीजें होगी वो मैं इंक्लूड कर लूंगी आरसी जॉनर्स में, ठीक है? हाँ, पैरा बेस क्लास है तो कर लेंगे, हाँ, तो यूट्यूब करेंगे और आरसी करेंगे, पैरा बेस करेंगे अगर पैरा बेस की क्लास है, ठीक है? तो आज आराम कर लो और थोड़ा सा कल मुलाकात होगी। सो पुट योर सजेशंस ऑन द ग्रुप विद हैशटैग पॉपकॉर्न, आई विल सी योर सजेशंस एंड ट्राई टू इंक्लूड 1-2 क्लासेस इन आरसी जॉनर्स। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ 10 क्लास कोर्स, पढ़ाना होगा तो 2 क्लास और बढ़ा लेंगे। सिलेबस खत्म होने जा रहा है मई एंड में, ठीक है? इसके बारे में मैं कल और डिटेल में बात करूंगी। यू शुड ज्वाइन द मनुस्मिता इफ यू हैव अ कॉल फॉर श्योर, डोंट वेस्ट अनदर ईयर, ओके? एंड वील डिस्कस कि आने वाले महीनों में हम आगे कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? लिंक्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ कल की क्लास के और यूट्यूब के, आज रात तक कल शेयर कर देती हूँ, ठीक है? आई चेक देम इफ आई हैव देम, या आई चेक देम, ठीक है? थैंक यू, टेक केयर। An Academy. Let's crack it.